तो गाइज ये बन रहा है नाश्ता, हलवा नाश्ता। तो गाइज ये है नाश्ता, हलवा मुढ़ी चनाचूर। तो गाइज पतंजलि के बाद कोई दूसरा किसी का नाम आता है ना तो टुड्डू बाबा का, तो ये है जंतर मंतर। हार्ड वाला कड़वा। सफर में पैदल पैदल, तो अभी हम लोग पहुंचे हैं एन कॉलेज दुमका। तो गाइस ये देख सकते हैं के साथ चलान करवाना पड़ेगा। वो हॉस्टल है इधर, एक हमने ब्लॉक और एकेडमिक ब्लॉक हॉस्टल या फील्ड है, और ये यहाँ का ऑफिस बिल्डिंग। एन कॉलेज से हम लोग अब बाहर आ चुके हैं बोनाफाइड पे जमा करके, और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा इधर घूमने फिरने। अब आए हैं उधर घूम फिर लेते हैं, दोबारा मौका कहाँ मिलता है। तो अभी घूम रहे हैं इधर, इधर देख सकते हैं शायद ये गोदाम ना कुछ है, बड़ा बड़ा गेट टाइप में देखने से तो गोदाम ही लगता है। और ये है एन कॉलेज का बाउंड्री, पीछे तो ये बिल्डिंग दिख रहा है ऑफिस है। आज का एक अच्छा बात यह है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप नहीं किया हुआ है और ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, तो बहुत मस्त फील हो रहा है। इधर तो गाइस इधर देख सकते हैं क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग है नदी का। गाइस यहाँ पर एक नदी मिल चुका है, इधर देख सकते हैं पानी का बहाव, और यहाँ चल रहा है बालू का ढुलाई, इधर भी बालू उठा रहा है ट्रैक्टर वाले लोग।
और उधर एक कुछ फैक्ट्री ना कुछ है शायद, थोड़ा बहुत दिख रहा है। इसके बाद इधर पोर्शन भी और वो जो पुल है वो रेलवे क्रॉसिंग है। तो यहाँ चल रहा है बालू का खुदाई, इधर एक ट्रैक्टर, इधर एक ट्रैक्टर, इधर एक ट्रैक्टर, उधर नदी गया है। देखिए हम लोग जा रहे हैं वापस पवेलियन लौटते हुए सुजीत टुडू और उसका भाई। तो गाइज पैदल ही पैदल अभी जाना है अप्रोक्सीमेट 2 से 3 किलोमीटर। चलिए थोड़ा पैदल का मज़ा भी लेना जरूरी है। अरे ट्रैक्टर थोड़ा शांत करो उसको। इधर से आए, सामने है स्टेशन रोड, लेफ्ट है हाईवे बंगाल जो दुमका ने घुसती है और जिसको हम लोग रिंग रोड के नाम से जानते हैं। ये है रिंग रोड और भी हम लोग जाएंगे इधर क्रॉसिंग द रोड। जो बाइक से ब्लॉग बनाता है उसको मोटो ब्लॉग घर बोलते हैं। तो गाइज आप लोग से कमेंट में जानना चाहता हूँ जो पैदल से ब्लॉग बनाए उसको क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं पैदल ब्लॉगर हूँ। ये हाईवे है और उसके नीचे से गुजरा है रेलवे ट्रैक। जो ट्रैक है ये जो ट्रैक है ये दुमका स्टेशन पर जाती है और इधर वाला जो है खास बात यह है गाइस कि जाते समय भी हाईवे पे पैदल सिर्फ हम ही दोनों थे, आते समय भी सिर्फ हम ही दोनों पैदल मार रहे हैं। ये देख रहे हैं जो है ये लाइन होटल है, पता नहीं कौन खाने जाता है कि नहीं। ये जो घास है गाइस इसमें पहले सफ़ेद सफ़ेद फूल था तो बहुत अच्छा दिखता था, अब ये मुरझा गया है, इसका टाइम आउट हो चुका है अभी कुछ नहीं। फिर ये बरसात के सीजन में इसके में फूल आता है वाइट कलर का, टूटा टूटा दिखता है अभी। इधर कुछ ज़्यादा ढलान है और ये डाउन साइड है, ये अप साइड है। तो बहुत देर बाद दो को बचुआ मिला है जो पैदल मार रहा है हाईवे पर हम दोनों के अलावा। तो ये दोनों शायद अच्छा पीछे में टंकी लोड है इसलिए वो पैदल मार रहा है। इसके बाद और वहाँ से आ रहा है कुछ कुछ लोग बहुत देर बाद, ये तो ये निकला घरेलू जानवर डॉगी। तो गाइस यहाँ पर लैपटॉप ले रहा है अपडेट्स, काफ़ी समय से ही अपडेट्स हो रहा है। तो गाइस लैपटॉप ले रहा है अभी अपडेट्स और तभी हम आ रहे थे तो हमारा फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो चुका था बैटरी लो होने की वजह से। रूम पहुंच गए थे फिर खाना खाने के बाद, थोड़ा जस्ट आराम करने के बाद फिर अभी बैठा हूँ वीडियो एडिट करने। तो गाइस जैसे मैंने लैपटॉप खोला ये अपडेट्स लेने लगा, तो वेट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी, दिस विल टेक ए वाइल, योर पीसी विल रिस्टार्ट सेवरल टाइम्स। तो गाइस बहुत शायद ज़्यादा टाइम तक ही वेट करना पड़ेगा, हो नहीं रहा जल्दी, बहुत देर से वेट कर रहा है फिर भी। तो गाइस कुछ कर नहीं रहे हैं तो फिलहाल
वीडियो को एडिट कर लेते हैं। जो कल शूट हुआ वो ब्लॉग भी एडिट नहीं हुआ है, और आज का जो ब्लॉग है वो उसको भी एडिट करना है, बट स्पेस ज़्यादा नहीं है फ़ोन में, तो पिछला जो ब्लॉग शूट हुआ है उसको एडिट कर करके स्पेस को खाली करना है फ़ोन का, ताकि और भी ब्लॉग आप लोग के लिए रिकॉर्ड हो सके। तो गाइज ब्लॉग पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा दोस्तों। क्या बोला तूने? और वीडियो भी लाइक करें। तो गाइज चलिए फिलहाल मैं करता हूँ वीडियो एडिट। ये तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? ओके गाइज।